गाइस मुझे पता है कि काफ़ी लंबे समय से थोड़ी वीडियो लेट आ रही है एंड हाँ मैं बता दूं कि मैं तेलंगाना में एक छोटे शहर आदिलाबाद में आया हुआ हूँ अपने मदर फादर के पास, सो आई एम रियली सॉरी। एंड हाँ अब वीडियो धीरे धीरे रेगुलरिटी में आ जाएगी। तो एपिसोड 60 में दिखाया गया है कि एक ईविल सेक्ट का मेम्बर जो होता है वो पहरेदारी कर रहा होता है किसी एक छोटे से कुएं जैसे दिखने वाली जगह की। तभी वहाँ पर हैनली आता है लिव फ्यून के साथ एंड उस बंदे को मार देता है। एंड इस चीज़ को देखता है कि काफ़ी दूर पर कोई एक बंदा है या फिर जो कोई बंदा है जिसे वो जानता है, तो वो उसे अपने विजुअल से या फिर आई से देख पा रहा होता है अपने काफ़ी ज़्यादा नज़दीक एंड महसूस कर पा रहा होता है। इस चीज़ को वो समझता है एंड वो कहता है कि ये बंदा जाना पहचाना सा लगता है एंड ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में है। इस चीज़ को सोचने के बाद वो जूम्स करके देखता है कि ये कौन है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये नोनोंग होती है या फिर कहूँ कि एपिसोड 1 या फिर कोई सीज़न 1 में ही इसे देखा गया था एंड ये हैनली के साथ थी एंड इसके और हैनली के बीच में कुछ चक्करें भी थी। खैर यहाँ पर ये फाइट कर रही होती है एक बंदे के साथ जिसका नाम गुल है एंड ये एक प्रोटेक्टर है इविल सेक्ट वालों का, जहाँ पे जो उनके मास्टर्स हैं वो उनके साथ रहता है। एंड फाइनली यहाँ पर दिखाया गया इन दोनों के अटैक्स एंड फाइनली इन दोनों के बीच में एक काफ़ी तगड़ा वाला बैटल चल रहा होता है। इस बैटल को नॉन जो होती है वो फाइट नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी ये बंदा उसे मार कर पकड़ना चाहता है, लेकिन जो नॉन होती है वो फाइट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। फिर भी वो अटैक करती है उसके ऊपर जिससे वो उस अटैक को सरवाइव कर ले एंड यहाँ पर वो उस अटैक को सरवाइव करने के लिए उस अटैक की तरफ ही चली जाती है एंड उसे रिटर्न करते हुए एक काफ़ी बड़ी पक्षी बनाती है जो कि एक उसकी स्पिरिट ईगल होती है एंड वो स्पिरिट ईगल ईविल सेक्ट के उस मेंबर को टच करती है जिससे वो पानी में जाके काफ़ी दूर तक गिरता है। इस चीज़ को देखने के बाद वो ईविल सेक्ट का मेंबर खुद को संभालता है एंड वहाँ पर वापस से आ जाती है नॉनोंग एंड उसके दोनों के बीच में ही फाइट हो जाती है फिर से, जिसका अटैक का प्रेशर काफ़ी दूर दूर तक दिखाया जाता है। एंड फाइनली नॉनोंग वहाँ पर खड़ी होती है, उसे एहसास होता है कि उसके आसपास भी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। तभी वो अपने पावर लेवल को अप करती है जिससे वो फाइट कर सके उन ईविल सेट के मेंबर के खिलाफ। तभी पानी के अंदर से एक और मेंबर निकलता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ईविल सेट के बहुत सारे मेंबर्स एंड यहाँ पे जो उसके मास्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं विथ स्नेक बॉय। जहाँ पे मास्टर कहता है, वैसे तो मैं काफ़ी लंबे समय से एक येलो मैप वैली पे रहने वाले बंदे को देख रहा था, ये फिर चाहता था कि वो आए एंड यहाँ पर वो अभी भी ढूंढ रहा होता है हैनली के बारे में एंड वो बात भी कर रहा होता है। फाइनली हमें यहाँ पर डोंग को दिखाया गया है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये तो अंकल ली के साथ थी एंड वो हमारी टीचर है एंड यहाँ पर ये मास्टर जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी हो, आप हमारे साथ चलो, आपको हम चाय पिलाएंगे हम। एंड यहाँ पर वो और भी चीज़ें बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप थक गई होंगी, आपके रहने और खाने की व्यवस्था मेरे पिताजी बहुत आराम से कर देंगे, आप उनके साथ जा सकती हैं। इवनली वो डायरेक्टली उसे टॉन कर रहा होता है एंड उसे चाहता था कि वो उसके फादर उसके साथ कुछ करे। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो उसे बात करने के लिए बुलाता है लेकिन ये इस पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होती है एंड वो कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, अगर वो मरने भी वाली होगी तो भी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। एंड यहाँ पर वो कहता है, वैसे भी तुम्हारे लिए दो हमारे प्रोटेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करने वाले प्रॉब्लम एंड जैसा कि मैंने इसका नाम बताया था गुल है, एल्डर गुल। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये दोनों ही एक अर्ली स्टेज फॉर्मेशन में है, तो इन दोनों के बीच में इन तीनों के बीच में एक फ़ाइट होती है। स्नेक बॉय काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से सोच रहा होता है कि उसने इस वूमेन को कहीं पर तो देखा था लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि इसने उसे उस छोटे से पोर्टल में जाते हुए देखा था जब वो स्नेक बॉय ने उसका पोर्टल या फिर कहूँ जो गुफा होती है वो बंद कर दी होती है। एंड स्नेक बॉय को याद आ जाता है सब कुछ कि ये हैनली के साथ ही थी एंड वहाँ पर उसने एक शील्ड क्रिएट की थी एंड अभी फ़िलहाल ये क्यू रिफाइनिंग स्टेज पर है और यहाँ पर तक पहुँचने के लिए स्नेक बॉय को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इससे ये सभी चीज़ों को सोचने के बाद तो कहता है ये सब कुछ जाने दो, मास्टर तो इस औरत को हैंडल कर ही लेंगे क्योंकि वो इससे ज़्यादा ताकतवर है एंड ये प्रोटेक्टर्स भी। अब यहाँ पे हमें मैजिकल वेपन को दिखाया गया जो कि एक मून स्पिरिट ब्लेड बनी है एंड यहाँ पर वो फाइट कर रही होती है गुल के साथ एंड ये जो प्रोटेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब ये दोनों ही प्रोटेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर इन दोनों प्रोटेक्टर्स की फ़ाइट दिखाई गई है जो कि फ़ाइट कर रहे होते हैं नॉनोंग के साथ। यहाँ पे मैं और भी कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो हमारा स्नेक बॉय होता है वो बताता है कि एक्चुअल में ये लेडी जो है एक फॉरेस्ट के रास्ते होते हुए क्लिफ से भागने की कोशिश कर रही है फाइटिंग के दौरान। तभी मास्टर कहता है कि जल्द से जाओ उस रास्ते को ही बंद कर दो। एंड हमें एक चीज़ और कंफर्म कर दी जाती है कि यहाँ पे जो डोंग होती है वो उन ईविल सेक्ट वालों का साथ दे रही है।
एंड अनोंग इस चीज़ को समझ नहीं पा रही होती कि एक्चुअल में वो उनके साथ क्यों गई है। लेकिन हमें दिखाया गया कि दूर विजन से ही हैनली ये सब कुछ देख रहा होता है। हैनली मन में सोचता है कि ये तो ननोंग है ना, जिसे उसको हमने बहुत पहले भी देखा है एंड इसे मिला भी है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है। तभी वो देखता है कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो इनके साथ बाद में फ़ाइट करेगा, पहले उसे ये मैसेज कन्वे करना होगा। एंड इस चीज़ को सोचने के बाद वो यहाँ पर वो अपने मास्टर को याद करता है एंड उसके मास्टर ने ही ये मैसेज दिया था, जब भी वो कभी डरे एंड कुछ भी हो तो ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली यहाँ पे वो कुछ और भी चीज़ें सोचता है एंड ल्यू फेन को ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि याद रखना जब तक मैं लौटूँ तुम यहाँ से मत जाना एंड यहाँ पर शांत से खड़े रहो। खैर यहाँ पर वो देखता है एक बंदे का ड्रेस एंड वो सोचता है कि इसी ड्रेस कोड को पहनकर वो वहाँ पर रुकेगा। फाइनली वो उस बंदे के पूरे ड्रेस को चेंज कर लेता है, अपने ऊपर ला लेता है एंड वहाँ पर से दिखाया गया कि फ़ाइटिंग काफ़ी अच्छी चल रही होती है। एंड यहाँ पर हमें पता चला है कि ये दोनों ही बंदे अब किसी भी तरह के स्पिरिट्स मॉन्स्टर को मारने में कैपेबल हैं। एंड जैसा कि स्नेक बॉय ने कहा था कि वो क्लिफ से भागने की कोशिश कर रही है, सेम चीज़ वो देखती है एंड यहाँ पर रिवर एंड क्लिफ दोनों का ही रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है एंड एक अटैक जाकर हमारी जो ननोंग होती है उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन वो फिर भी उस अटैक को झेल लेती है एंड फाइनली अभी भी पानी के ऊपर खड़ी होती है वो। अब वो काफ़ी अच्छी वाली टेक्निक का यूज़ करती है जहाँ पानी के अंदर से काफ़ी नुकीले नुकीले पत्थर बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। एंड इस चीज़ को देखते हुए वो दो स्वॉर्ड्स भी मूव करती है और उनका ब्लेड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो उससे बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद ये लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं। फॉरेस्ट में ननोंग को पकड़ना इनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ज़मीन होती है। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टर एक तालिस्मान का यूज़ करते हुए उसके पैरों को जमा देता है एंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा उसे कैद कर लेता है। मतलब बाहर से कोई अंदर की तरफ तो आ सकता है लेकिन अंदर से कोई बाहर की तरफ नहीं जा सकता एंड ये सिर्फ ननोंग के लिए होता है। हम यहाँ पे ननोंग देखती है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती एंड वो मिलने दिखाया जाता है कि जो डीमन स्ट्रीम की तरफ से आई होती मिलने के लिए वो कोई और नहीं ननोंग होती है जो कि उसकी एक नेफ्यू है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इसके साथ थी काफ़ी लंबे समय तक और इसकी गारंटी वो लेती है कि आंट को सेफ रखा जाएगा मास्टर की तरफ से। इस पर वो कहती है कि तुम इनके साथ क्या मिल गई, उसने बताया कि ये लंबी स्टोरी है वो कभी बाद में बताएगी। एंड यहाँ पर वो एक काफ़ी अच्छी टेक्निक का यूज़ करती है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकती है सभी लोगों को। ये चीज़ मास्टर भी जानता था लेकिन यहाँ पर उसे बताती है कि हम बहुत सारे लोग हैं, तुम इस अटैक का यूज़ करने के बाद भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे हमारा। खैर यहाँ पर वो ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देती एंड वो आसपास देखती है। तभी हमें पता चलता है कि एक बंदा है जो कि वहाँ पर उड़कर आता है एंड यहाँ पर जो डोंग होती है उसकी गर्दन पर वो चाकू रख देता है। इस चीज़ को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये दो बंदे आपस में मिल चुके हैं एंड ये कोई और नहीं हैनली है हमारा, जिसने कुछ देर पहले मैंने बताया था कि उसने ड्रेस कोड पहन लिया होता है। एंड हैनली वहाँ पर आ जाता है ये कहते हुए कि सीनियर आप मुझे जाने दीजिए, वैसे मैं इस लड़की के साथ अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ एंड इस लड़की का मेरा कुछ पुराना रिलेशन है जिसे मैं जल्द से जल्द निपटाना चाहता हूँ। एक्चुअल में वो डोंग की बात कर रहा होता है एंड यहाँ पे ननोंग समझ जाती है ये कोई और नहीं हैनली है। एक्चुअल में मास्टर होता है वो भी लगभग समझ चुका है कि हैनली यही है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है तुम अपना फेस दिखाओ मैं तुम्हें जाने दूंगा एंड यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता एंड एपिसोड वहीं पर कट हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।